सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाबा कह रहे हैं, आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबर बार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित बच्चे हैं वो सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वो डेट भी फिक्स की है कि वो डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फर्नर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट एक साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग तो बहुत किए हैं, करते ही रहते हैं, आज फलाना मीटिंग, कल फलाना मीटिंग। अभी भी देखो कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी है बच्चों को, बाप तो बेकबन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फर्नर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर है। आगे अच्छा मुबारक हो, मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात
आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने वक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रही है। तो है चैतन्य मूर्तियां, अब अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है पांडव। लेकिन शब्द अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन है या खत्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। एक सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो है या नहीं। विश्व के वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन बस सच्चा वाइब्रेशन नेगेटिव हो, वो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो है ही ऐसा है ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वो आत्मा है ही ऐसी, लेकिन बाप पूछते हैं कि वो खराब है या रंग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ, आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फर्नेस ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहे हैं ना। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रतिवृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति अगर अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन है तो उसे नहीं रखो। अच्छा ये खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुखों देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हो बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलना वाली आत्मा नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है। आप सब 1-2 के जज बन गए हो, बाप भी तो देख रहे हैं ना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखो। किसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा ने सर्वोच्च याद प्यार देते हैं, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहमदिल बने, क्षमा का सागर बने। लेकिन अच्छा, अपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। लेकिन बाबा कहते फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वो बात तो सामने आएगी। इसलिए बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी बाप दादा ने जो भी डेट दी है वो बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो
तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने? तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हमको, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले। ज्ञानी तू योगी तू आत्मा भव। बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करो। समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खा सकता, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञान और योगी हाँ आत्माएं नहीं बोल सकती। वह ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अचल अडल वो ही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ज्ञानी और योगी तू आत्मा हूँ। अभेद वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्रछा का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।